नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज शुरू हुई थी उसके कुछ प्रश्न रह गए थे, उनको चलिए इस वीडियो में कर लेते हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वन, पर्वत, महासागर, रेगिस्तान। तो आप सभी जानते हैं सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो महासागर है। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है, किस महीने के? फरवरी, अगस्त, जुलाई या अक्टूबर। 1985 से लगातार मनाया जा रहा है दोस्तों, अक्टूबर के जो है प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इकोटोन, सक्सेशन, क्लाइमेक्स या सिरल, बताइए दोस्तों। ये कहलाता है इकोटोन। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में या मैनचेस्टर में? दोस्तों, ये जो स्थापित किया गया है ओस्लो में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिक निकेत यानी कि निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, ग्रीनेल्स ने, डॉर्बिन ने, ईपीओडम ने या सीसी पार्क ने, बताइए दोस्तों। जो ग्रीनेल्स थे उन्होंने संकल्पना विकसित की थी पारिस्थितिक निकेत की, या निक की आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या वन्य जीव सुरक्षा? दोस्तों, औद्योगिक प्रबंधन का जो है पारिस्थितिकी संतुलन से कोई भी संबंध नहीं है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ या साल्ट मार्सेस आदर्श स्थल है? लवण मृदोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल एक सही है, एक या दो, केवल दो, एक या तीन, बताइए दोस्तों। लवण कच्छ यानी कि साल्ट मार्सेस का आदर्श स्थल जो है वो है हेलोफाइट यानी कि लवण मृदोद्भिद, इसका विकल्प सही होगा ए। भारत में मैनग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, मालाबार तट में, सुंदरबन में, कच्छ के रण में, तटीय उड़ीसा में, मैनग्रोव वनस्पति, बताइए दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है सुंदरबन में। सुंदरबन कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए या जल के लिए? दोस्तों, एपीफाइट जो हैं ये निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए, अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है जीवों की नई प्रजातियों का विकास, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, जैव विविधता का संरक्षण या उपरोक्त सभी? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक, बताइए दोस्तों। ये फैला हुआ है सामुद्रिक, महासागर में। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में, ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किसने किया? पैट्रिक गिडीस ने, हेरोल्ड मैकिंडर ने, हॉर्लान बेरोज ने या ए हर्बर्ट सन ने, बताइए दोस्तों। जो हॉर्लान बेरोज थे उन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया है भूगोल को। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित किया जाता है? अजैविक, जैविक, ऊर्जा या स्थानिक? दोस्तों, जो स्थानिक है इसे पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। किसी नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना पड़ा था? आगरा, अयोध्या, मथुरा या हैदराबाद? तो दोस्तों, ये आदेश हुए थे आगरा के लिए। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ, ऊर्जा
की हान परंतु खनिजों का लाभ, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हान, ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि। बताइए क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का लाभ होता है लेकिन खनिजों की हानि होती है। आगे बढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें सुपोषित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों इनमें से एक और दो, ये दोनों सही हैं, यानी विकल्प ए सही है। आगे बढ़ेंगे, कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रावण करके अन्य जात के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी, एलोपैथी या निष्क्रिय अवरोध, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रक्रिया को बोला जाता है एलिलोपैथी। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती। इस संबंध में आप क्या कहते हैं, इस संबंध को क्या कहते हैं? सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता या प्राक सहयोग? बताइए दोस्तों, इसे बोला जाता है सहभोजिता। वायु क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? बताइए दोस्तों, वायु एक मिश्रण है। आगे बढ़ेंगे, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता अनुपर्ण या पर्ण ब्रंथ? दोस्तों पत्ता जो होता है एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। आगे बढ़ेंगे, नीचे दो वाक्यांश दिए हैं, कथन वन, कथन कथन ए, कथन आर। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उक्त संदर्भ में कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है वो सही स्पष्टीकरण ए का है। आगे बढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या बोलते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। बहुत बार करवा चुका हूँ, अगर ये प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से इसको आप करके टिक मारेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र पर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी, पदछाप, जियोम या निकेत? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो दोस्तों इसे बोला जाता है पारिस्थितिकी पदछाप। आगे बढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? गाय, मोर, बाघ या हरे पौधे? दोस्तों हरे पौधे जो होते हैं यही उत्पादक घटक हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन? बहुत बार पूछा गया है और कई बार मैं करवा भी चुका हूँ, तो महासागर जो है उसे सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना गया है। अगला प्रश्न, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रह सकते। अधिकांशतः मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, या फिर प्रतिरोपण के दौरान अधिकांशतः मूल नष्ट हो जाते हैं, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। दोस्तों इसमें जो सही होगा वो विकल्प सी सही होगा, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांशतः मूल नष्ट हो जाते हैं, इस वजह से कई प्रतिरोपित पौधे जो हैं वो नहीं बढ़ पाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती? जनसंख्या, वाहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसे बोलते हैं वाहन क्षमता। आगे बढ़ेंगे, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है या किस आंदोलन का नारा है? एप्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या उक्त में से किसी का नहीं? दोस्तों ये है चिपको आंदोलन का नारा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक को? दोस्तों यह सर्वाहारी को, यानी कि ओमनीवोर्स, उनको जो है उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है?
तालाब, खेत, वन या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कृत्रिम पारितंत्र की अगर बात करें तो कृत्रिम पारितंत्र जो होगा खेत होगा। जीव भर का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासी स्थल या शुष्क स्थल? दोस्तों यह तालाब में उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैनग्रोव, मैनग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, मैनग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, महासागर, मैनग्रोव, झील, घास स्थल। बताइए दोस्तों, मैनग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। आगे बढ़ेंगे। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी कि गहन पारिस्थितिकी? ईपीओडम, सी रॉनकियर, एफ ई क्लीमेंट्स, अर्जीन नेस ने? बताइए दोस्तों, ये किया था अर्जीन नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, हीलियम, आर्गन, रेडान या नियान? दोस्तों रेडान जो है ये नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, क्रस्टेशियाई, डाइटम, हेरिंग, डाइटम, हेरिंग, क्रस्टेशियाई, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, डाइटम। बताइए तो दोस्तों, डाइटम है, फिर क्रस्टेशियाई है, फिर हेरिंग है। ये आहार श्रृंखला का सही क्रम है। अगला प्रश्न। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु? आपके उत्तर दिए हैं 1, 2, 3 या 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों। बताइए तो दोस्तों, ये होते हैं कवक और जीवाणु। बी विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है दोस्तों, यह एक बंद तंत्र होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार का द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समिष्ट के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों द्वारा खाई जाती है, केवल एक और दो या 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसमें जो विकल्प सही है वो 1 ही सही है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों द्वारा एक श्रृंखला दूसरे आहार श्रृंखला द्वारा पोषित होती है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या जैव पदार्थ का क्षय? आपके जो विकल्प हैं वो ये हैं 1, 3, केवल 2, 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4। तो विकल्प सही है सी, 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 दोस्तों, 1, 2 और 4 ये कार्बन चक्र के संबंध में जो है सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील? बताइए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका विकल्प सही होगा धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिकनोक्लाइन या धर्मोक्लाइन? बताइए दोस्तों, जो पिकनोक्लाइन है वो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। तो इसका विकल्प होगा सी। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।